पेन एंड पीस ऑफ प्लाप के पार्ट 17 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द यंग जोंगकुक को अपने करीब खींचकर उसके गाल पर किस कर बोगम की ओर देखकर स्मार्क करता है। दोनों पार्क में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने के बाद पार्क से निकालकर घर जाने के लिए कार में आकर बैठ जाता है। तंग कार ड्राइव करता है। कुछ ही घंटों में दोनों अपार्टमेंट पहुँच जाता है। मेंशन में एंटर करने के बाद तयंग और जोंगकुक दोनों अलग अलग बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तयंग शावर फिनिश कर नीचे आ जाता है। टेबल के ऊपर शॉपिंग बैग्स थे। तयंग बैग से एक एक करके सभी इंग्रेडिएंट्स बाहर निकालकर टेबल के ऊपर रखने लगता है। तभी जोंगकुक सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। जोंगकुक को नीचे आते देख कर तयंग स्माइल करता है। जोंगकुक नीचे आकर पीछे से तयंग को हक कर लेता है। तयंग मुड़कर जोंगकुक के चिक्स पर फिर से चुमकर फ़ोन निकालकर सर्च करके वीडियो प्ले करके देखने लगता है। फाइनली ते डिसाइड कर लेता है कुकी मेक करने के बारे में। जोंगकुक के दोनों हाथ तयंग के कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे। जोंगकुक कहता है, ते आर यू श्योर कि तुम ये करना चाहते हो? तयंग कहता है, डोंट वरी बेबी बॉय, तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे शेफ है, तुम अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। जोंगकुक कहता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि किचन के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ रखा है, तुम ढूंढ नहीं पाओगे। तयंग कहता है, मैंने कहा ना डोंट वरी, तुम जाओ जाकर आराम करो, मैं कर लूँगा। तुम बहुत थक गए हो और बहुत थके हुए लग रहे हो, जाओ जाकर आराम करो। ये कहकर तयंग जोंगकुक के हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर ले जाकर उसे लिविंग रूम में बैठने के लिए कहता है। जोंगकुक लिविंग रूम में आकर काउच पर बैठकर टीवी ऑन करके कार्टून देखने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे किचन से तयंग के वॉयस सुनाई देता है, कुकी तुमने बाटर कहाँ रख दिया है, इतना ढूंढने पर भी मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देता है। किचन से आवाज़ आते सुनकर जोंगकुक पैनिक करने लगता है। ये सोचकर कहीं तेई ने खुद को तो चोट नहीं पहुंचा लिया है ना। जोंगकुक जल्दी से भागकर किचन के तरफ आ जाता है। किचन के अंदर एंटर कर जोंगकुक किचन के हालात देखकर हैरान हो जाता है। सारी चीज़ इधर उधर बिखरे हुए थे। किचन काउंटर से लेकर फर्श तक हर जगह आटे से भरे हुए थे। जोंगकुक कहता है, तेई तुमने मेरे किचन का क्या हाल बना दिया है, हर तरफ आटा गिरा हुआ है, और ये क्या तुमने एग्स खराब कर दिया? तयंग इनोसेंट बेबी फेस बनाकर लिप से क्यूट पाउट करके कहता है, आई एम सो सॉरी कुकी। जोंगकुक कहता है, हाँ आप ये सब क्लीन करके मैं और ज़्यादा थक जाऊँगा, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तयंग कहता है, मुझे बाटर चाहिए, लेकिन बाटर किचन में नहीं है। जोंगकुक फ्रिज ओपन कर बाटर निकाल कर काउंटर के ऊपर रख कर कहता है, बाटर रेफ्रिजरेटर में था। तयंग कहता है, चलो दोनों साथ मिलकर इसे मेक करते हैं। जोंगकुक कहता है, ओके, लेकिन पहले ये सब क्लीन करना पड़ेगा। तेई और कुकी दोनों मिलकर किचन रूम क्लीन कर साथ में कुकी मेक करता है। जोंगकुक कहता है, तेई कुकी बन गया है, लेकिन हम इसे अभी नहीं खा सकते, इसे ठंडा होने में कम से कम एक घंटा और लगेगा। तंग हैंड ग्लव उतारते हुए कहता है, ओके। जोंगकुक कहता है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? तयंग जोंगकुक के करीब आते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। ये कहकर तयंग धीरे से जोंगकुक को कैबिनेट की ओर धकेल देता है। जोंगकुक कहता है, कौन सा आइडिया? अब जोंगकुक कैबिनेट के सामने खड़ा हुआ था और तयंग उसके सामने है, और तयंग के दोनों हाथ कैबिनेट पर है। तयंग धीरे से जोंगकुक के तरफ झुकता है। जोंगकुक कहता है, तेई तुम क्या कर रहे हो? जब तयंग अपने दाहिने हाथ जोंगकुक के कमर के ऊपर रखा, उसके बाद तयंग और करीब झुक गए, जिससे तयंग के होठ जोंगकुक के कंधों को छू गए। जोंगकुक अपने गर्दन पर तयंग के होठ महसूस कर जोर से सांस लेता है। तयंग आंखें बंद कर वह चूमने लगता है। त
तंग जोंगकुक के गर्दन पर चूमना और काटना जारी रखा जब तक जोंगकुक अपने सिर को पीछे की तरफ नहीं लेकर जाता है। तब तक तई इसे जारी रखता है। तैयांग को जब महसूस हुआ कि जोंगकुक अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया है, तब तैयांग जोंगकुक को गोद में उठाकर कैबिनेट के ऊपर बिठा देता है। तई कुकी के माथे को धीरे से चूम लेता है। उसके बाद तई जोंगकुक के होठों को बहुत ही जोश के साथ प्यार देना शुरू कर देता है। तैयांग के होठ जोंगकुक के हर हिस्से में घूमने लगे थे और उसका एक हाथ जोंगकुक के नाजुक कंधे को दबा रहे थे। अचानक तैयांग ऐसा करना बंद कर देता है। तंग कुकी की तरफ देखता है जो इस वक्त अपने आंखों को बंद किए हुए था। तंग जोंगकुक के फेशियल एक्सप्रेशन देखकर अपने आइडिया पर प्राउड फील कर स्मार्क करता है। तैयांग अपने कपड़े को खोलने के लिए अपने हाथ जोंगकुक के कंधे से हटाकर अपने छाती तक लेकर आता है। जोंगकुक आंखें खोलकर तई की तरफ देखता है। जोंगकुक के आंखें पूरी तरह फ्रीज हो चुका था। जोंगकुक के आंखें अपने हैंडसम हस्बैंड के हैंडसम नेस को अप्रिशिएट कर रहा था। फिर से तैयांग जोंगकुक के गर्दन से लेकर छाती तक और छाती से लेकर कुकी के सफ़ेद पेट तक हर जगह चूमने लगता है। तंग ऐसा करते हुए फिर से कुकी को कैबिनेट के ऊपर बिठा देता है, क्योंकि जोंगकुक इस दौरान आनंद महसूस कर बार बार पीछे की तरफ खुद को झुका रहा था। जोंगकुक गिर ना जाए ते इसके लिए खास ध्यान रख रहा था। जब ते ऐसा कर रहे थे, अचानक जोंगकुक ते को पीछे की ओर धक्का दे देता है। धक्का देने के कारण ते जो कर रहा था वो बीच में ही रुक जाता है। तैयंग अपने सारी इच्छा और ज़रूरत के साथ ऐसा कर रहा था, लेकिन अचानक जोंगकुक के धक्का दे देने के कारण तैयंग को बीच में ही ये सब कुछ रोकना पड़ता है। तैयंग एक लॉस्ट पापी की तरह जोंगकुक की तरफ देखता है, जो ये नहीं जानता कि अभी अभी क्या हुआ है, उसने उसे धक्का क्यों दिया। तैयंग को ऑनेस्टली ये बात नहीं पता कि आखिर उसने क्या गलत किया जो जोंगकुक कितने इम्पोर्टेंट मोमेंट में उसे पीछे की ओर धकेल दिया है। तैयंग कहता है, क्या मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ? ते मन में सोचता है, लेकिन मैं जो भी कर रहा था कुकी भी मेरे साथ सेम चीज़ कर रहा था। हर चीज़ में कुकी वापस रिएक्ट कर रहा था। तैयंग अपने सांसों को संभालते हुए कहता है, क्या हुआ कुकी? कुक मुंह फुलाकर तैयंग की तरफ देखकर दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लेता है। जोंगकुक कहता है, आई थिंक। तैयंग कहता है, व्हाट? जोंगकुक आधी बात बोलकर चुपचाप खड़ा था। कुछ सेकंड पॉज के बाद जोंगकुक फिर से कहता है, मुझे लगता है कि मेरा पीरियड शुरू हो गया है। तंग गहरी सांस लेते हुए मन ही मन कहता है, लेकिन ऐसा अभी क्यों हुआ? जोंगकुक कहता है, आई एम सॉरी तई, लेकिन मुझे अभी बाथरूम जाना है। तैयंग कहता है, ध्यान से नीचे उतरो, वेट, मैं हेल्प करता हूँ। एक कहकर तैयंग एक हाथ से जोंगकुक के कलाई पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके कमर पकड़कर उसे नीचे उतारने में हेल्प करता है। तैयंग उसे बाथरूम के अंदर लेकर जाता है। जब जोंगकुक बाथरूम के अंदर गया, तैयंग उसके लिए दूसरा पाजामा लेकर गया। जोंगकुक हमेशा बाथरूम में बहुत ज़्यादा समय लगाता है जब तक जोंगकुक बाहर नहीं आ जाता है। तैयंग उसके लिए हॉट चॉकलेट बना लेता है और पेट में सिकाई के लिए हॉट बैग उठा लेता है। फ्रिज के अंदर से ते कुछ कुकीज़ भी उठा लेता है। ऊपर कमरे में आकर तैयंग जोंगकुक को कुछ ढूंढते हुए देखकर पूछता है, बेबी तुम क्या ढूंढ रहे हो? जोंगकुक कहता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं दवाई ढूँढ रहा हूँ। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा है, जैसे कोई परमाणु बम फट गया हो। लेकिन अगले ही पल में तैयंग को इस बात का एहसास हो गया कि जोंगकुक अपने लिए पेन किलर ढूंढ रहा है। तंग गहरी सांस छोड़कर मन ही मन कहता है, मैं डर गया था, मुझे लगा वो कुछ और ढूंढ रहा है। तैयंग कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सर्च करने में मदद करूँगा। ये कहकर तैयंग कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट वाली
ट्रे साइड टेबल के ऊपर रखकर जोंगकुक के पास आ जाता है। तो यंग जोंगकुक को बेड पर केयरफुली बिठा देता है। तक मेडिसिन ढूंढते हुए कहता है, मैं कॉफ़ी और डार्क चॉकलेट लेकर आया हूँ, इसे खा लो, ये शायद काम आएंगे। जोंगकुक तयंग की तरफ देखकर स्माइल करके कहता है, थैंक यू बेबी टाइगर। आखिरकार तयंग को मेडिसिन मिल ही गया है। तो मेडिसिन लेकर साइड टेबल की तरफ आ जाता है। तो टेबल से पानी का ग्लास उठाकर जोंगकुक के हाथ में दवाई और पानी थमा देता है। तयंग कहता है, ए लो इसे ले लो। जोंगकुक कहता है, जोंगकुक के मेडिसिन खा लेने के बाद तयंग ग्लास टेबल के ऊपर रख देता है। तयंग कहता है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए किचन में जाकर कुछ बना लेता हूँ। जोंगकुक अचानक से तयंग के शर्ट पकड़ कर उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, नहीं मत जाओ, मेरे साथ रहो। एक कहकर कुक की लिटिल बेबी की तरह मुंह बना लेता है। तयंग आहे भर कर कहता है, अगर तुम इतना क्यूट देखोगे तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ। बट द कुकी आर वेटिंग, क्या कुकी तुम्हारे लिए तुम्हारे हस्बैंड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? जोंगकुक बेबी की तरह मुंह फुलाते हुए कहता है। ये कहकर कुक फिर से पाउट करने लगता है। तय को बिलीव नहीं हो रहा था कि जोंगकुक इस तरह के हरकत भी कर रहा है और ऐसा कर सकता है। मे बी उसका मूड स्विंग हो रहा है। तयंग ये बात मन ही मन सोचता है। तयंग जोंगकुक के बगल में जाकर बैठ जाता है और जोंगकुक अपना सिर प्यार से तयंग के कंधे के ऊपर रखकर चॉकलेट खाने लगता है। उसने ऑलरेडी कॉफ़ी फिनिश कर लिया है। तय अपने बेबी की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा एडरेबल लग रहा था। खासकर जोंगकुक जब चॉकलेट खाता है तब वो क्यूट लिटिल बेबी की तरह लगता है। माई बेबी, तय धीरे से कहता है। जोंगकुक तयंग के माउथ के पास चॉकलेट होल्ड कर उसे चॉकलेट खाने के लिए इशारा करता है। प्लीज़ तय खा लो। तयंग उसके हाथ से चॉकलेट खा लेता है। तयंग मन ही मन कहता है, आई वॉन्ट टू टेस्ट द चॉकलेट ईटन बाई हिम। जोंगकुक तयंग के चेहरे को पकड़ कर चॉकलेट खाते हुए उसके होठों को चूमने लगता है। तयंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि अभी अभी उसने ये बात अपने मन में सोचा था। और जोंगकुक को ये बात कैसे पता चला? बीच बीच में जोंगकुक को पेट में बहुत दर्द भी हो रहा था जिसे सहन कर पाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तयंग जोंगकुक के ध्यान भटाने के लिए उसके साथ रैंडम चीज़ों पर बात करने लगता है। जोंगकुक तयंग से और ज़्यादा चॉकलेट मांगता है। तयंग से खाने के लिए और चॉकलेट की मांग करता है। तयंग किचन से जोंगकुक के लिए और ज़्यादा चॉकलेट लेकर आता है। तयंग उसे चॉकलेट देते हुए कहता है, कुकी अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या अभी भी ये दर्द कर रहा है? जोंगकुक कहता है, नहीं अभी मैं ठीक हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। अब जबकि दोनों के बीच सब कुछ ठीक से चल रहा है, तयंग उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के बारे में सोचता है। तयंग मन ही मन सोचता है, मुझे ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, इससे हम दोनों के बीच की जो गैप है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मुझे अपने हस्बैंड पर ज़्यादा बिलीव करना चाहिए ना कि वाइन पर। वैसे भी जोंगकुक 1000 times से भी ज़्यादा तय से पूछ चुका है उसे ऐसी कौन सी चीज़ इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। तयंग अब जोंगकुक को सब खुलकर बताने का फैसला कर लेता है कि उसे बुगम और उसे उसके बीच जो भी है ये बात बहुत ही ज़्यादा बॉदर कर रहा है। तयंग डिसाइड करता है आज शाम ऑफिस से घर जाकर ते जोंगकुक को सब कुछ बता देगा। लेकिन उसके अंदर एक डर भी था, अगर जोंगकुक इससे परेशान हो गया या फिर गुस्से में सचमुच उसे छोड़कर चला गया तब क्या होगा। दूसरी तरफ जोंगकुक जल्दी से ऑफिस वर्क ख़त्म कर लेता है क्योंकि उसे लंच ब्रेक में तय के साथ बाहर जाकर लंच करना है। अचानक जोंगकुक के दिमाग में एक आइडिया आता है, आज तयंग को सरप्राइज देना सही रहेगा। जोंगकुक रेस्टोरेंट कॉल कर लंच के लिए जो बुकिंग था इसे कैंसिल कर देता है। अगर जोंगकुक तय के साथ रेस्टोरेंट चला गया वह अब तय के साथ कोजी नहीं हो पाएगा और ऐसे भी बहुत टाइम हो गया है दोनों को करीब आए और
पिछले बार तैयंग जब एफर्ट डाला था तब जोंगकुक के पीरियड्स आने के वजह से दोनों वो नहीं कर पाए थे। इसके लिए जोंगकुक तैयंग के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए शॉपिंग मॉल आकर रात के स्पेशल रोमांटिक डिनर डेट के लिए कुछ शॉपिंग करने लगता है। ऑल्सो तैयंग के लिए एक सीक्रेट गिफ्ट भी बाय कर लेता है। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।